आपने डम सेराड नाम सुना होगा। यह एक तरह का रचनात्मक खेल होता है जिसमें एक समूह को बिना बोले एक्टिंग करके दी हुई फिल्म का नाम दूसरे समूह को समझाना होता है। इस वीडियो में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की टर्म्स को इसी खेल के द्वारा समझाया गया है। नमस्कार, मैं जाट रेजिमेंट का पूर्व सिपाही पवन डू के आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। XLRI जमशेदपुर में ट्रेनिंग के दौरान, ट्रेनिंग के प्रारंभ में एक आइस ब्रेकिंग सेशन में क्या हुआ आप भी देखिए और मजे लीजिए। कितने लोग हैं ना? यह पहली टीम है, यह क्या समझाना चाह रहे हैं आप भी जानने की कोशिश कीजिए। और अब नंबर आया दूसरे ग्रुप का। ऐसा लग रहा है जैसे पानी नहीं आ रहा है और ये अलग अलग जगह पर शिकायत कर रहे हैं या अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अप्रोच कर रहे हैं। बेचारा मेरा खुद पानी निकाल रहा है। इन लोगों अपने से मतलब ही नहीं लगे हुए आपस में। सिविल को फोन कर रहा है। इधर आओ, तुम यहाँ आओ, जल्दी आओ। तुम अभी आओ। ये सब ही तो नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पानी 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 फैसिलिटीज, भाई बोल दो तुम यहाँ से। ये आई तीसरी टीम। ग्लोबल
ग्लोबल थिंकिंग नहीं, ग्लोबल दाब भी है, ग्लोबल इनोवेशन, ग्लोबल थिंकिंग, ग्लोबल इनोवेशन, ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल आइडियाज, ग्लोबलाइजेशन, इनोवेशन, ग्लोबलाइजेशन। अबे बना क्या रहे हो, बना ग्लोबल ब्रांड इनिशिएटिव, ग्लोबल इंटेलिजेंस, आइडियाज, ग्लोबल इंटेलेक्चुअलिटी, ग्लोबल प्रेजेंस, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल लीडर, ग्लोबल 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 है ना, एक पॉइंट ग्लोबल है, एक ही वर्ड है, एक ही वर्ड है, ग्लोबल इंटीग्रेटेड, ग्लोबल, ग्लोबल इंटेलिजेंस, ग्लोबल, ग्लोबल थिंकिंग, ग्लोबल रिलेशन, नहीं नॉट रिलेशन, ब्रेन, ग्लोबल इंटेलिजेंस, ब्रेन, ब्रेन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग, आइडिया, ग्लोबल आइडिया, ग्लोबल इनोवेशन, ग्लोबल थिंकिंग हो गया, क्या हो गया, ग्लोबल हैक, ग्लोबल हैक प्लस ब्रेन, ग्लोबल कोलैबोरेशन, ग्लोबल स्ट्रेटजी, कॉर्पोरेट, ग्लोबल स्ट्रेटजी, सोसाइटी, ग्लोबल माइंड सेट है, माइंड सेट, ग्लोबल माइंड सेट। और यह है चौथी टीम। देखने से ही लग रहा है कि जो बॉस है वो चेयर पे बैठा है और उसके सबॉर्डिनेट इसको आके वन बाय वन विश कर रहे हैं। सभी को एक टास्क दिया है कि इस ऊंचाई तक पहुंचना है। इस टीम के चार मेंबर में से एक तो है जो बहुत धीरे धीरे काम को कर रहा है, एक है जो काम नहीं करने के बहाने ढूंढ रहा है, और एक है जो बड़ा शिद्दत से लगा हुआ है। एक तो केवल देख ही रहा है नीचे बैठ के। टीम को देख तो फ्रस्ट्रेट आ गया है, नहीं हो रहा इससे। टीम मैनेजर देख रहा है सभी को, एक है जो बड़ा शिद्दत से लगा हुआ है। ये जो टीम मैनेजर है ये सभी को देख भी रहा है और चाहे कैसा भी काम किया हो उनकी सराहना भी कर रहा है, बधाई दे रहा है कि अपना टास्क पूरा किया है। लेकिन एक है जिसका काम बहुत ही शानदार है, एक्सीलेंट, सभी इसको बधाई भी दे रहे हैं। तो सोचिए इसके माध्यम से क्या बताना चाह रहे हैं। परफॉर्मेंस, एम्बिशन पैशन, फर्स्ट वर्ड है पैशन, एनर्जी पैशन, फर्स्ट वर्ड है वर्क पैशन, पैशनेट टीम, एचआर पैशनेट, टीम वर्क पैशनेट, टीम बिल्डिंग पैशनेट, थिंकिंग और ये है पांचवी टीम। One and a half. Come on, man.
housekeeping. डरा क्यों रहे थे सबको? साहब, ऑफिसर साहब, अथॉरिटी, जीए भाई, अथॉरिटी, अथॉरिटी, मैनेजर, टीमवर्क वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट क्या एंगेजमेंट एंगेजमेंट नहीं ये तो बाई फोर्स हो गया ये तो लव मार्केट है डिसिप्लिन कल्चर और ये है छठवीं व अंतिम टीम ठाले बैठे सबके सब आइडिया क्रिएटिव पहला दूसरा दूसरा क्या बता दो इस आइस ब्रेकिंग सेशन का ये गेम आपको कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया भी कर लें बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद